عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد كاد چهرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سہنے دے اوپر سجاوٹ کسے ماں نے ایو جیا سونا نی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا مصور نے تصویر انج دیئے کٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی سامعین محترم اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا اور دستگیر ہے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। मुख्तरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, वाजिबुल इहतराम, वाजिबुल कदर मेरी इस्लामी माओ और बहनों, कुरान पाक दे जिस मुकाम नो मैं इस वक्त तिलावत कीता है, सूरत दा नाम सूरा तौबा। ग्यारहवां सिपारा इस आयत दे अंदर रब्बे कायनात ने आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सिफात दा तस्किरा फरमाया है कि कायनात दे अंदर ऐसा रसूल आया, ऐसा महबूब आया कि जिन्हों अपनी उम्मत दी तकलीफ वेख के बहुत गरां गुजरदा, ओ पैगंबर इतना रहीम है, इतना शफीक है, उस महबूब नो अपनी उम्मत दा कदम कदम ते फिकर है कि मेरा हर एक उम्मती जहन्नम तो बच के अल्लाह दे जन्नत दे अंदर टुर जाए। दुनिया दे अंदर इंसान नो बेशमार फिकर ने कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, कारोबार दे अंदर महारत इख्तियार कर ले, दौलत आ जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छा कारोबार हो जाए। पर मैं कुर्बान जावा, मेरे मुस्तफा नु इक्को ही फिकर है कि मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरी उम्मत इमाम दी दौलत दे नाल माला माल हो जाए। मेरे मुस्तफा ये फिकर लेके आए के डाकू डाका जनी तो हट के लोगां दे माल दा मुहाफत बन जाए, कातल कतल गरी तो रोक के लोगां दी जान दा मुहाफत बन जाए, और मुशरक शिरक तो ताइब हो के मवाहिद बन जाए, बिदती पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत दा ताबेदार ते फर्मा बरदार बन जाए। कायनात दे अंदर कोई लीडरी दी फिक्र रखद, कोई बड़े तो बड़े ओहदे दी फिक्र रखद, आओ उस कायनात दे इमाम नाल मुहब्बत ते प्यार करिए जेड़ा फिक्र रखद ते अपनी उम्मत दी फिक्र रखद। और अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात दा तस्किरा फरमाया, मैं इंशाअल्लाहुर रहमान कुरान व हदीस की रोशनी दे अंदर अपनी सरकार दी एक सिफत के मेरे आका अली सलाम की फिक्र लेके आए, और बहसियत मुसलमान बहसियत उम्मत सानू भी अल्लाह और उसके रसूल का फिक्र उसके नाल मुहब्बत है कि नहीं। अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने ऐलान फरमाया
रब्बुल आलमीन फरमांदे ने लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान ऐलान कर दे के रब्बुल आलमीन दा कुरान इस बात दी दोहाई दें दे के आमिना देलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुआडे विचों कायनात अंदर मबूस हो के आए ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु इक्को ही फिकर के मेरा हर उम्मती मेरा हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह जुल जलाल दी तौहीद दा इकरार करने वाला ए ईमान दी दौलत दे नाल माला माल हो जाए एदे सीने दे अंदर रब दे कुरान दी मुहब्बत पै जाए आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम दी हदीस दी मोहब्बत ते प्यार पै जाए ए वेखे अज सही उल बुखारी है सफा 181 है मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दी फिकर दा तस्किरा करना चाह मेरे आका एक दिन तशरीफ फरमाने एंड मेरे आका दे गुलाम आप अलैहि सलाम दे जानसार बैठे ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबियो मेरी मजलस के अंदर एक बच्चा आया करदा और बड़िया अच्छिया अच्छिया गल्लां करिया करदा कई दिन हो गए ओ बच्चा मैनू नजर नहीं आउंदा ते मेरे आका अली सलाम दे सहाबा बयान करदे ने अल्लाह दे नबी जी सानू उस बच्चे दी तला मिली है के बच्चा बीमार इस वास्ते तुहानू मिल नहीं सकदा तुहाडे करीब तक नहीं पहुंचिया ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम फरमान देने मेरे सहाबी ओ चलिए उस बच्चे दी तिमारदारी करन वास्ते मैं कुर्बान जावा ओ बच्चा मेरे आका दा जे कलमा पढ़ के नबी दा ताबेदार नहीं बनया हुजूर अली सलातो व सलाम दी शरीयत दे अजे ताबे फरमान नहीं होया अ मुसलमान तोहाई है तेरे ते अज तू अपने सके वालद दी तिमारदारी नहीं करदा सकी मां दी तिमारदारी वास्ते टाइम नहीं है परा अपने परा दी खरीयत दरियाप्त करन वास्ते तैयार नहीं है मनु आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम दा फरमाने गिरामी याद आया आप फरमांदे ने अपने भरा दी तिमारदारी करिया करो अपने अजीज दी खरीयत दरियाफत करिया करो केड़ा इमाम अपने मुक्तनियां दी तिमारदारी करदा है केड़ा नौजवान अपने अजीजां दी तिमारदारी करदा आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम ने अपनी प्यारी जुबान नबुव्वत दे विचों कलमे इरशाद फरमाए साडा ते हाल है ना जे मेरी खरीयत पूछिए मैं जाके पूछना वा मेरे अजीज नू नहीं पूछिया यार मेरा की लगदा है ते मारदारी करो अल्लाह दी रजा वास्ते है ते मिलेगा की
ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਖਰੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 70,000 ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਜ਼ਹਿ ਬਿਲ ਬਾਸ ਰੱਬਨਾ ਵਸ਼ਫੀ ਅੰਤ ਸ਼ਾਫੀ ਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਇਲਾ ਸ਼ਿਫਾਉ ਕਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਯੁਗਾਤਿਰੁ ਸਕਮਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਜਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਾ ਕਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੰਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਮ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਰਫੇ ਵੇਖਿਆ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਕਲਮੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ। ਯਹੂਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਬਲ ਕਾਸਿਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਅਬੁਲ ਕਾਸਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਂਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਾਤ ਫੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਆਂਦਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਪਲ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੋਂਡ ਖੋਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਲਮੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ
जदों कलमा मुकद इस बच्चे की जिंदगी दे सा भी पूरे हो जाते हैं। बच्चा दुनिया तो टुर जाता है ते मेरे अकाली सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई है। सही उल बुखारी हदीस पाक के अंदर है और इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने सही उल बुखारी किताबुल जनाइद के अंदर हदीस न बयान किया है। आप अली सलाम अपनी जुबान चो अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं। फरमाया अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकज़ाहु बी मिनन्नार। अल्लाह तेरा जिन्ना भी शुक्र अदा करा उन्ना ही कम है कि मैं मुहम्मद दे जान दी वजह ना अल्लाह इस यहूदी दे बच्चे नू ईमान दी दौलत ना माला माल फरमा दिता है। फिर मनना पेगा लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और साहबे दिल बड़ी प्यारी गल करदे फरमांदे ने सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी। ऐसा शफीक ते मुशफिक पैगंबर अल्लाह ता कीता सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी। मौला कजर छड़ी कोई नहीं सोने पनान दी और साड़ियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया दीनी दुनियावी गल्ला सब समझा गया। लोड़ नी सुरैन दीती उरा पर जान दी जग विच तुम पै गई नबी सुल्तान दी। इन्हें मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम मेरे महबूब पैगंबर इतने शफीक बन के आए हैं। अजे नहीं समझे यह भी रवायत सही उल बुखारी दी है यह भी किताबुल जनाइज़ अंदर है। अल्लामा अरूसी ने भी बयान फरमाया हाफिज़ इब्ने हजर भी इस बात नूं बयान करते हैं। मैं कुर्बान जावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही अल बुखारी दी पहली जिल्द अंदर बात नकल कीती है। मेरे आका दा सका चचा है कुनियत अबू तालब है नाम उदा अब्दे मनाफ है सरदार अब्दुल मुतलब दा बेटा है। मेरे आका अली सलात व सलाम दी उम्र मुबारक बढ़दी जा रही है। सरदार अब्दुल मुतलब दुनिया तो रुखसत हो जांदे ने ते किफालत दा जिम्मा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दा अपने चचा दे सामने सौंप गए। और चचे ने वाकिया ही मेरे मुस्तफा दी कफालत दा हक अदा कर दिता है। कदम कदम ते अपने भतीजे दा दिफा कीता कदम कदम ते मेरे मुस्तफा ना मुहब्बत ते प्यार कीता लेकिन दौलत ईमानी ना हासिल कर सके। वेला गुजरदा गया अयाम बीत गए जिंदगी दे साथ थोड़े रह गए एंड बीमारी दी कशमा कष्ट अंदर ने ते मेरे अकाली सलाम अपने चचे अबू तालब दे गरीब टुर गए ते कहन लगे चाचा जी कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जाओ। मेरे पाक पैगंबर अली
सलाम नू फिकर है। मेरे आका सज्जे जांदे, आका खब्बे जांदे, कदी उठदे ते कदी मेरी सरकार बैंदे, किते मेरे चाचा दौलते इमामी तो महरूम ना हो जाए। और मर्जिया ते रब्बे कायनात दी हुंदिया ने, हुंदा ओ होइए जो अल्लाह नू मंजूर हुंदा है। ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्ला सल्लम दे करीब है, ते मेरे आका बार बार कही जा रहे हैं, ते कहन लगा चाचा जी कलमा पढ़ो, इधर अबू जाल बेईमान बैठा, ओदी पूरी रियाया ते ओदी पूरी कंपनी बैठी है। ते कहन लगे सरदार अबू तालब वेखी किते लोड़ा ना मार जाई है, आखरी सावां ते अपने बाप दादा दे दीन नू ना छड़ देवी। और नमादा ते असी पढ़ने आ, वादा ते असी सुनने आ, जुमातुल मुबारक दे खुतबे सुनने आ, लेकिन साड़ी उत्थे ही लकीर है, उत्थे ही साड़ा मामला है। अल्लाह दी कसमे मसला ठीक भी सीने विच वजदा है, हदीस ठीक भी मिलती है, ते फिर भी आंदा है यार लोकी की कहणगे। और मेरा ऐलान है, जेड़ी मस्जिद विच दिल आउंदा जुमा पड़े आ कर, जेड़े खतीब मगर दिल करदा जुमा पड़े आ कर, जेड़े मतबा फिक्र मगर दिल करदा जुमा पड़े आकार है। लेकिन अपनी अकल नू ते अपने दिमाग नू ते हादर करे आकार है, ए सोचिया भी कर, ए सुनिया भी कर, जेड़ा इमाम जा खतीब गल कर दे, ए दीन इस्लाम ते है भी है के नहीं है, कुरान ते हदीस विच मौजूद भी है के नहीं है। इधर अबू जाल आंदे, ओए अबू तालिब वेखी किते लोड़ा ना मार जावी, आखरी सावां ते अपने अबाओ अजदाद दे दीन ते ना चल छड़ देवी। इधर मेरे आका अली सलाम दी अखां डुलिया, हजूर अली सलाम नू फिकर है। एक दिन मेरे आका अपने चाचा अबू तालब दे करीब होंदे ने, ऐन लगे चाचा जी एक गल ते मेरी पूरी कर दियो, कदम कदम ते तुसा मेरा साथ दिता है, अगर उच्ची भी कलमा नहीं पढ़ सकते, बुलंद आवाज ना तुसी कलमा नहीं कह सकते, कम से कम मेरे कान विच ही ए कलमे पूरे कर दियो। इधर अबू जाल दियां धमकियां, इधर मुस्तफा दियां फिक्र, ते अबू जाल बार बार अबू तालब दे करीब आंदा, नबी दा कलमा ना पढ़ नहीं है, आका दी गुलामी इख्तियार ना कर लवे। खुदा दी कसम है, जिन्नी मोहब्बत सरदार है अबू तालिब ने मेरे आका ना कीती है, लेकिन वो मोहब्बत जेड़ी है जहन्नम नू लैके टुर गई है। रब दा जन्नत दा बुआ उहदे वास्ते बंद होया, क्यों? उहने मुस्तफा दी इतात नहीं कीती, पैगंबर दी इतवा नहीं कीती, मेरी सरकार दे नक्शे कदम ते नहीं चलिया। हाँ ए गल जरूर कही है। ते कहन लगा भतीजे तू भी सच्चा, ते तेरे ते उतरन वाला दीन भी सच्चा, अगर मैं कलमा पढ़ के टुर गया लोग मैनू मेने ते ताने देंगे। इधर जिंदगी दे शाह मुकदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बड़े ही कमजदा ने, और बारो कतार मेरे आका रोई जा रहे ने, आका दिया अखा सौन पादरों की तरफे बरसतिया ने, सिहाबा नबी का गम वेख के परेशान ने। अल्लाह दे नबी जी क्यों परेशान? फरमाया मेरे चचे अबू तालिब ने मेरा ख्याल बड़ा रखे है,
अजे मैं दुनिया ते आए हैं, मेरे बाप दा साया मेरे तो उठ गया, मेरे दादा ने मेरे ना बड़ी शफकत की थी है, दादा दुनिया तो गया, मेरे चाचे ने मेरा बड़ा ख्याल रखिया। और पता है ना मुजफ्फर कलूनी वाले हो, चाचा भी बमंजले बाप दी हसीयत हुंदा, ते आसमान तो रब दा कुरान नादल हुंदा, बल्कि मेरे आका फरमांदे ने ए अल्लाह जब तक मेरे ते कोई हुक्म लागू नहीं हुंदा, मैं अपने चाचे वास्ते बख्शे दी दुआ करदा रवांगा। अल्लाह ने कुरान नादल फरमाया ए मेरे महबूबा कायनात दे लोगां नू ऐलान कर दियो, रहिंदी दुनिया तक ए सदा बुलंद कर दियो, कोई नबी होए या नबी दा यानी रिश्तेदार होए, कोई आम इंसान होए, नबी भी होए ते आम भी मोमिन बंदा होए, अपने मुशरक अजीजा वास्ते दुआ करेगा, वो दुआ अल्लाह अपनी रहमत ना कबूल नहीं फरमाएंगे। ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने सुनिया है ते मेरा चचा सी, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह है ते मेरा चचा सी, ते कुरान लादल हुंदे फरमाया इल्ला कला तहदी मन महबूबा तेरा काम में दावत देना, पैगाम देना ते हदायत देना, मैं रब्बे जुल जलाल दा काम जिन्ने नबी आए, नू वेख लो, इब्राहिम वेख लो, यहिया वेख लो, जकरिया वेख लो, जिन्ने नबी आए, ते मेरे आका फरमांदे ने जदों रब दे नबी जन्नत नू जानगे ते पिछे उना दे मुक्तदी होणगे। कई नबी ऐसे ने के जीना मगर दस मुक्तदी होणगे, ओदी उम्मत दे बीस लोग होणगे, ऐसे भी नबी आउणगे जिन्हां दे विच एक या कोई भी उन्हां दे नाल बंदा नहीं होएगा। इहदा मतलब की है, रब ने ऐलान कर दिता है ए मेरिया महबूबा दावत देना तेरा काम है, हदायत देना मैं रब्बे जुल जलाल दा काम है। रब तो इलावा कोई नबी, कोई वली, कोई पीर, कोई मौलवी हदायत नहीं दे सकता जो रब ना चाहे। अकीदा बनाना चाहिए। ते मेरे आका अली सलाम नू फिकर है, फरमाया मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ रहीम। अजे नहीं समझे एक होर वाकया सुन लो, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि व सल्लम ने मेरे आका मेराज ते जा रहे ने रब्बुल आलमीन दे करीब पहुंचे, अल्लाह दे नबिया नाल भी ते मुलाकात हुई है। फका नकाब गौसैनी औदना दी बुलंदियां ते पहुंचे, रब्बे कायनात ने मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम नो तहाइफ आता फरमाए, उन्हां तोहफ़ियां दे विच मेरे मुस्तफा नूं 50 नमाज़ां दा तोहफ़ा अल्लाह जुल जलाल दी जात ने अता कीता। ते मेरे आका वापस आए, हजरत मूसा अली सलाम ना मुलाकात हुई है, ए रब दे नबी जी रब्बुल आलमीन ने तुहानू कितनी मोहब्बत ते प्यार ना नवाजे, अल्लाह ने आसमान ते बुला के
तो आटे ना मुलाकात फरमाइया ने मेरे आ महबूबा रब को लैके की आए हो ते मेरे आका फरमाते ने रब्बुल आलमीन ने मैनू ते मेरी उम्मत नू पंजा नमाजा का तोहफा अता कीता है। महबूबा पंजा नमाजा ते बड़िया मुश्किल ने ते मेरे आका फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल दे तोहफे की कदर ते जरूर है पर फिकर ए वे मेरी उम्मत पंजा नमाजा पढ़ेगी किस तरह। उम्मत का फिकर है मेरी उम्मत पंजा नमाजा किन पढ़ेगी है। मेरे आका अली सलाम अपने रब ना हम कलाम होंगे ने अल्लाह तोहफा ठीक है नमाजा वाकई बहुत बड़ा अल्लाह का कुरब है। ए अरशा वाली रब्बा पंजा बहुत से आदा ने फरमाया नोने आप पंजा नहीं पढ़ सकते है चलो चाली लै जाओ हजूर चाली भी मुश्किल ने मेरे आका फरमांदे ने ती लै जाओ घट दिया पजावां चो पांच बाकी रह गई ने। हजरत मूसा अली सलाम तो सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी तुहाडी उम्मत ते पांच भी बड़ी मुश्किल ने ते मेरे आका फरमांदे ने फिकर ते सुरूर है हुण मैनू रब कोल बार बार जांदियां वी ते शर्म आउंदियां ने। रब्बे जलील ने आसमान तो जबरील टोरिया फरमाया ए मेरे महबूबा ऐलान कर दे जबरील मेरे आका नू ऐलान कर दे अल्लाह की ऐलान ते पैगाम दे देवा। फरमाया महबूबा फिकर ना कर दिल छोटा ना करी गमजदा ना होई है अपनी उम्मत नू पंजा नमाजा दा आर्डर तुसी कर दियो पजावां दा अजर मैं रब आप अता कर देंगा। नमाजा पंज ने अज असी नमाजा लवेंदे हदीस की है मेरे आका फरमांदे ने बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरक सलात। फरमाया मुसलमान बंदे काफर दे दरमियान अगर फर्क है तो नमाज का फर्क है। अज असी अपनी मस्जिदों की रौनक वेखी है अपने घरों के हालात वेखी है जे बीवी नमाजी है तो खामत नमाजी नहीं है जे बाप नमाजी है तो बेटा नमाजी नहीं है जे माँ नमाजी है तो बेटी नमाजी नहीं है किन्ने घरों के घर बेनमाज ने। अल्लाह की कसम है जे किसी नूं नमाज का आखिया भी जाए ते कहन लगा हाफ जी की करिए टाइम ही नहीं मिलता उस दौलत उस कारखाने आंदे ओना मिला ते फैक्ट्रिया चुल्ले विच पाने के जिदी वजह ना अल्लाह ने सजदे की तौफीक ही नहीं दीती। सब तो बड़ा चोर नजर आएगा नमाज का चोर नजर आएगा और अल्लाह ना मुलाकात और कुरब दा अगर तू मामला चाहने ते वक्त ते सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करेगा। नमाज बहुत बड़ा अमल है तुसा वेखिया नहीं मीडिया ते एक बारिश बुजुर्ग है 80-90 साल की उम्र है पीछे म्यूजिक चलता है लोग खलोते ने मुसल्ला डा के अल्लाह अकबर कह के और हाथ बन के नमाज शुरू कर दे अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नाले नमाज पढ़दा ते नाले डांस कर दे रुकूए जांदा डांस कर दे सजदे जांदा डांस कर दे और ये नाल ही एक नौजवान बच्चे की वीडियो वायरल हुई है। अल्लाह का हिसाब ना आए ते और की आए खुदा रा
असी अल्लाह दे असाब नू दावत ना दईए ओए सब तो बड़ा लानती बेईमान कि जेड़ा रब दे सामने खलो के अपने रब नू मजाक कर दे। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। मेरे को वीडियो मौजूद है कोई हां वांडू दे अंदर पुलिस ने उस बाबे नू हिरासत दे अंदर लिया और मैं आना ऐसे लोगों नू इबरतनाक सजा दी जाए बल्कि लाहौर दे मनारे पाकिस्तान ते चाड़ के लटका के आल उल्टे इन्हां नू लटका के इबरतनाक सजा दी जाए। और बदबख्ता जे तेनू नमाज की तौफीक नहीं कम से कम नमाज ते खलो के अपने रब नू मजाक ते ना कर। ते मेरे आका फरमांदे ने ते मुस्तफा की आदत की है जदों मेरे आका थोड़ा जिहा परेशान हुंदे सरकार नमाज नीत लैंदे। नमाज मुस्तफा फरमांदे ने मेरी अखां दी ठंडक। नमाज ना रब दा कुरब मिलदा। इस वास्ते मैं दस रहा सा ए मेरे महबूबा अगर ए पांच पढ़न मैं अल्लाह पंजावां दा अजर अता फरमा देंगा। वेख मेरे आका नू फिकर उम्मत दी है। आप अलैहि सलाम हरीस बन के आए हैं। एक दिन जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातो वसलाम इंज रब दा कुरान पढ़ रहे हैं ते मेरे आका कुरान पढ़दे आ हजूर अली सलाम दी अखां डुल पैंदियां ने। सरकार सारो कतार रोन लग पैंदे ने। मेरे आका इन्ना रोंदे हुजूर अली सलाम दी हिजकी बज जांदी है। आप अली सलातो व सलाम दे कोल अल्लाह पाक ने जिबरील नू टोर दिता है। जिबरील जान मेरे महबूब नू पुछ ले सोणिया क्यों इन्ना फिकर कीता है क्यों कुरान पढ़ के ए दो आयतां ने तेनू रुआया। जिबरील मेरे आका अली सलाम को लौंदा ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने जिबरील दो नबी ने इन्हां दो नबियां दी दुआ ने मैनू रुला दिता है। एक नबी की आंदा ए अल्लाह सुने अगर अजाब देवे ते फिर भी तेरे बंदे अगर मुआफ करे ते फिर भी तेरे बंदे। एक नबी आंदा अल्लाह जेड़े मेरे ताबेदार ने नानू बचा ले बाकी दा मामला अल्लाह तेरे सुपुर्द है। ते जगां दे पीर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि व सल्लम नाले कुरान पढ़दे ने नाले मेरे आका सारो कतार होंदे ने ऐतां केड़ियां नी फरमाया इन तो अज़बहुम फा इन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब दा नबी नाले कुरान पढ़ी जांदा है नाले सारो कतार रोई जांदा है। पाक पैगंबर अली सलाम बार बार पढ़दे ने इन तो अज़बुम फा इन्नहुम इबादुक। गालब नबी ईसा ने अल्लाह दे सामने दुआ करदे ने व इन तगफिर लहुम फा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नाले रोई जांदे ने अंसू बहाई जांदे ने अल्लाह जुल जलाल तू अपने बंदियां ते मेहरबान हो जा ते रब दे खलील ये भी दुआ करदे ने। इन्हां दा तज़किरा भी रब दे कुरान ने कीता प्यारे खलीलुल्ला अपने रब दे सामने इल्तजा करदे ने। ओ दुआ भी नबी ईसा ने अपनी उम्मत वारे मंगी ए
तो आवी। हजरत इब्राहिम अपनी उम्मत दे हक अंदर मंगते हैं ते पता की आंदे ने, रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरन मिनन्नास फमन तबियानी वइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूर रहीम। तर्जमा की है, फरमाया रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन्नास। रब दे नबी हजरत इब्राहिम आंदे ने फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी, अल्लाह जी ने मेरी इत्तबा की है ओ ते मेरा ही है। वह मन आसानी है जिन्हें तेरी ना फरमानी की है, अल्लाह तू माफ करे ते तेरी मर्जी है, अल्लाह असाब देवे ते तेरी मर्जी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने जदों कुरान दिए इन्हां दो आयतां नूं सुनिया, इस रवायत दे रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए वी गालबन बुखारी दी रवायत है ते मेरे आका मुस्लिम दे अंदर भी मौजूद है। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम रोंदे ने, रब नूं पता मेरा महबूब रोंदा पिया, फिर भी अल्लाह ने जिबरील नूं मेरे आका दी तरफे टोरिया, ए मेरा महबूबा कुरान अगे भी पढ़दे हो अखां चों अंसू अगे भी निकलदे ने, सोने अज इन्ना ही रोंदे हो इन्ना ही परेशान हुंदे हो, आखर वजह की है? ते मेरे आका फरमांदे ने, ए प्यारे जिबरील रब दा कुरान पढ़िया, नबी ईसा दी दुआ सुनी है ते नबी प्यारे खलीलुल्लाह दी इल्तजा सुनी है, उन्हें अपनी उम्मत दा एहसास ही पूरा नहीं कीता, उन्हें मामला जल्दी जल्दी अल्लाह को छड़ दिता है। ते मेरे आका फरमांदे ने, ए कुरान दीयां दोने आयतां जेड़ियां ने इन्हें मेरे दिल में खराश ला दी है, मैनू इन्ना फिक्र लायक हो गया कि मेरे महबूबा किन्ना कु फिक्र है कि सीधा फिक्र है। फरमाया अगर फिक्र है ते मैनू मेरी उम्मत दा फिक्र है, अगर फिक्र है मेरी उम्मत दा मैनू फिक्र है कि मैं अपने रब ना हम कलाम होना चाहना, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा, मैं ते नहीं चाहता भावें जिन्ना भी गुनाहगार क्यों ना होए ओ रब दे जन्नत दे अंदर चला जाए, ओ भावें जिन्ना भी गुनाहां दा लिथड़िया क्यों ना होए, मेरा उम्मती अल्लाह तेरे जन्नत विच जाना चाहिदा है। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम आसमान तो जिबरील मेरे आका दा पैगाम ला के रब्बे जलील दी तरफे पहुंचदे ने, अरशां वाले या रब्बा तेरा नबी अपनी उम्मत वास्ते परेशान है, हालांकि उम्मत ते रब ने किन्ना एहसान कीता है। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, मैं रब दे सामने सजदे पै जावांगा, अल्लाह दे सामने इन्ना लम्मा सजदा करांगा। फरमाया इरवा राजा के सल तोता इश्फात शफा, मेरिया महबूबा सर चुक ले अपने होंठ खोल ले, लब्बा नू हरकत दे अंदर दे ले, मेरिया महबूबा इन्ना लम्मा सजदा कीता है ते किस वास्ते कीता, अरशां वाले अगर सजदा लम्मा कीता अपनी उम्मत वास्ते कीता, रब फरमांदे ने मेरे महबूबा सर चुक ले
सजदे विच कयामत दे दिन सारे चुक ले सजदे विच जिवें महबूबा आखेगा मैं रब तेरी मन के दिखा देंगा। ते आका की आंदे ने फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बे उम्मती अल्लाहुम्मा रब्बे उम्मती वबका अल्लाह मैं अपनी उम्मत वास्ते रोना पे हैं। आप अली सलाम फरमांदे ने अज उम्मत नबियां दी आउणगी है मैं वेखांगा एक उम्मत आ रही है मैं रब नू पूछिया अल्लाह मेरी उम्मत है फरमाना ना ये ते नबी मूसा अली सलाम दी उम्मत है। आका फरमांदे ने एक हो उम्मत आएगी है बड़िया लाना लगिया होनगिया कतारा लगिया होनगिया अल्लाह दे नबी जी ए मेरी उम्मत है अल्लाह फरमान गे हाँ मेरे महबूबा ए तेरी उम्मत है ए मेरे महबूबा एदे विचों जेड़े अगे अगे 70,000 आ रहे ने इन्हां नूं बगैर हिसाब दे मैं अपना जन्नत अता कर देंगा। मेरे आका खामोश फरमाया महबूबा राजी नहीं होंदे कि 70,000 तुहाडी उम्मत दा फर्द जेड़ा अफराद रब दे जन्नत अंदर बगैर हिसाब तो जानगे अल्लाह दे नबी जी राजी नहीं ते मेरे आका फरमानगे अल्लाह उम्मत बहुती है ते कोटा बड़ा ही थोड़ा है उम्मत ज्यादा अल्लाह लोग बड़े ज्यादा ने मेरे आका बड़े ही गमजदा ने सहाबा बयान करते ने आका जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आप अली सलाम तनहाई तैयार कर लेंदे सहाबा बड़े परेशान ने अल्लाह दे नबी जी जल्दी जल्दी नमाज अदा करते सहाबा को बहिंदे नहीं बल्कि उठ के अपने घर तशरीफ ले जाते हजूर अली सलाम अपने हुजरा पाक अंदर पहुँच जाते कई दिन गुजरे नबी दे सहाबा ने इंज बैठाया ते कहन लगे महबूबा तुहानू परेशान वेख के असी परेशान हो जाने आ। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने खरीयत हुजूर असा कई दिन हो गए तुहाडी कफीयत वेखी तुसी परेशान परेशान लगते हो फरमाया मेरे को जिबरील आया रब्बे जुल जलाल दा पैगाम लाके मेरे महबूबा तुहाडी उम्मत दा 70,000 इंसान जेड़ा बगैर हिसाब दे मैं रब दे जन्नत अंदर जाएगा। ते आका फरमाते ने अल्लाह उम्मत इस नालों भी कई हिस्से ज्यादा रब्बे जुल जलाल ने फिर रहमत ते कुछ कीती है महबूब दे परवाने आंदे ने सोने नबिया किन्नी को मुहब्बत फरमाई है रब फरमांदे ने ए मेरे महबूबा परेशान नहीं होना हुण एक एक हजार दे नाल 70,000 बगैर हिसाब दे रब दे जन्नत अंदर पहुँचा देंगा। आप फरमांदे ने मैनू थोड़ा जिहा हौसला हो हौसला होया कोई शेख बरादरी दा बैठा है जरा नोट करे कि एक एक हजार ना 70,000 बगैर हिसाब दे रब दे जन्नत अंदर जानगे कम से कम 4,09,00,00,000 इतनी मेरे मुस्तफा दी उम्मत जे 90,00,00,000 4,90,00,00,000 बंदे फरमाया बगैर हिसाब दे मेरी जन्नत दे अंदर मुस्तफा तो आड़े उम्मती जान फरमाया मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ रही
जे मेरे आका ताइफ अंदर गए फिर भी मेरे आका नू अपनी उम्मत दी फिकर है। जिसम ते अंग अंग ते मेरे आका परेशानी दे आलात सहल है, आका जख्मा दे नाल चूरन है। हर घर विचों हर महल्ले विचों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस सलाम दे संग बारी आंदे सालम बुछाड़ कर देने। मेरे आका घश खा के जमीन ते डिग पैंदे ने, मेरे आका नू होश आंदे। आप अली सलाम दे कोल फरिश्ते आंदे टाइम दी किल्लत दी बिना ते मैं इशारा कर देना मुनासब है। नबी दा एक सहाबी आया हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला ने, अल्लाह दे नबी जी इन आवाज से बद दुआ कर दे। मेरे आका हाथ चुके हुजूर अली सलाम ने लब खोले, मेरे मुस्तफा ने बद दुआ नहीं की थी, बल्कि मेरे आका फरमान देने अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। सहाबी बयान करता है सुनिया हर एक फरिश्ता तुहाडे कोल आया, तुसीं उन्हां नूं पिछा मोड़ दिता है, आप हाथ चुके होंठ खोल के दुआ दे दीती है, बद दुआ नहीं की। आका फरमांदे ने इन्हां नूं की पता दीन इस्लाम दी दौलत की है, जे ए ईमान नहीं ले आउणगे ते ना आउण वाली नस्लां नूं अल्लाह इमाम दी दौलत ना माला माल फरमा देंगे। ते तक कफियत की है फरमान देने बच्चे बुढ़े और तनाले, बच्चे बुढ़े और तनाले सारे जुल्म कमान दे, पाक मुहम्मद सरवर उते ते पत्थर पे बरसान दे, जख्मी होया जिस्म नपीदा, जख्मी होया जिस्म नपीदा ते वगदा जिवें परनाला। हालत वेख फरिश्ते रुने कंबिया अरश ताला, एक फरिश्ते आकिया हजरत जो दियो इजाजत मैनू करा फना, मैं इन्ना ताई चिन्ना मारे तैनू। ओए हाथ उठा कर नबी अल्लाह दा मंगदा फेर दुआई, ना तो उठा के नबी अल्लाह दा मंगदा फेर दुआई। अल्लाह ए ना मेरा कदर नहीं कीता, तू रहमे ना ते कमाई। मेरे आका अली सलाम नू इक्को ही फिकर है, और रुकाना कितना बड़ा मक्के दा चौधरी ते पहलवान है। मेरे आका ने इस्लाम दी दौलत नाल ओनू माला माल करना चाहिया। आप फरमांदे ने रुकाना तू बहुत बड़ा पहलवान है, बड़ा खाड़ियां च जाना है ते कलमा पढ़ लै ते मुसलमान हो जा। मेरे आका अली सलातो व सलाम फरमांदे ने नबी दी ताबेदारी अजे ने इख्तियार नहीं की। मेरे आका फरमांदे ने ए दस बकरियां ले लै, भी बकरियां ले लै, ती बकरियां ले लै। आखिरकार रुकाना आंदे मेरे ना कुश्ती कर लै, ते मेरे आका फरमांदे ने मैं रब दा नबी कुश्तियां करन वास्ते नहीं आया, मैं कबड्डियां खेलन वास्ते नहीं आया, मैं क्लबां दे अंदर नहीं आया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने
ने मैं नहीं चाहता तेरे ना कुश्ती कर। कह लगा कुश्ती कर लो अगर तुसी मनु गिरा दिता मैं तो आड़ा कलमा पढ़ लवांगा। एक दफा सरकार गिराया, दो दफा गिराया, तीन दफा गिराया, बल्कि बकरियां दा लालच भी दिता। मेरे आका फरमांदे ने और कन मक्के दा चौधरी ते बहुत बड़ा पहलवान है ते हुण मेरे ना कुश्ती कर ले। बार बार करता है, जदों बार बार जमीन ते डिगदा है ओनू इत्मीनान हो गया रुकान आंदा सारिया बकरिया लीले। ते मेरे आका फरमांदे ने मैं रब दा नबी माल नाल नहीं प्यार करदा, ईमान नाल प्यार करना वा। ते रुकाना नाले थले पे है ते आंदा अशहदु अल्लाह इला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस वास्ते साहब दिल कहिंदा है और रब ने करम दी छां करनी है सोने ने जदों हां करनी है। अल्लाह जुल जलाल दे दरबार दे अंदर मेरे आका उम्मत दा फिकर लेके जानगे। आका सजदे पै जे होणगे और रब ने करम दी छां करनी है सोने ने जदों हां करनी है। ते रब की कहणगे सजदे विचों सारे चुक ले सोने और सजदे विचों सारे चुक लै मिठड़ा, सजदे विचों सारे चुक लो आका। रब अपने नबी नू कह रहे ने सोने सर ते उठाओ गल ते मेरे ना कर, सजदे विचों सारे चुक लै सोना असी कोई तेनू ना करनी है और रब ने करम दी छां करनी है सोने ने जदों हां करनी है। ते रब अपने नबी अपने रब नू की आखेगा उम्मत मेरी बख्शो सारी, अल्लाह उम्मत मेरी बख्शो सारी, दूजी गल मैं तां करनी है रब ने करम दी छां करनी है। ते रब हुण की आखेगा कि इतात तेरी जिसने कीती है। ए मेरिया महबूबा सजदे कर करके अपनी उम्मत वास्ते परेशान हो गए हो, गमजदा हो गए हो, फिक्रमंद हो चुके हो। जिसने इतात तेरी कीती, अल्लाह नबी दा इतात ते ताबे आधार बना। और जिसने इतात तेरी कीती है, जिसने गुलामी तेरी कीती है, जन्नत मैं ओदे ना करनी है। सुनिया जिसने इतात तेरी कीती है, जन्नत मैं ओदे ना करनी है, रब ने करम दी छां करनी है सोने ने जदों हां करनी है। उम्मत मेरी बख्शो सारी, दूजी गल मैं तां करनी है। लकद जा अगुम रसूल मेनान बुसिक अजीज ना लई मां तुम्हारी सुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ रही। अल्लाह पैगंबर दी सुन्नत दा सच्चा ताबेदार बना दे और पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी हदीस दा मिस्ताक बना दे। आखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।